वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग मैथ का नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मैथ में, और ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो लोअर एग्जाम्स होते हैं, और ये क्वेश्चंस बनाने में बहुत ईजी होते हैं। नंबर सिस्टम, जैसे कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे आ जाएंगे आपको, जोड़ एडिशन आ जाएंगे, जोड़ सब्सट्रैक्शन आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन आ जाएंगे। उसी तरह मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। हाँ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिख लिया इंग्लिश में क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके ना फ्रेंड्स। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। आप सोचोगे प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होते क्या है, आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं ना सर, वो होते हैं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे जो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर होते क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते, 0, 1, 2, 3, 4 है ना। और इंटीजर्स क्या होते हैं, -5, -4 और 0, 1, 2 ये सारे हो जाते हैं, मेरे इंटीजर्स हो जाते हैं, ओके ना। दोस्तों, हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल नेचुरल नंबर देखने की जरूरत है। नेचुरल नंबर में हम लोग प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग पता करना है। आपका पास बहुत सारा ट्रिक होगा कि बोले, आप बोलोगे कि 1+2+3+4+5 इस तरह ऐड करेंगे, ऐसे 1+2+3+4+5, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें आपके टाइम लग जाएंगे, इस टाइम हो जाएगा, लेकिन हमें टाइम सेव करना है ना। टाइम सेव करने के लिए पास हम लोग के पास एक फॉर्मूला होते हैं जिसे बोलते हैं ना, ये प्रूव्ड सब फॉर्मूला है, मैथमेटिशियन ने प्रूव किया हुआ है। एस बराबर सम इक्वल टू नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला आपको बराबर याद रखना है, ये इसके लिए काम होता है केवल नेचुरल नंबर के लिए, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे फाइव नेचुरल नंबर है, तो हम लोग बोलोगे ना कि यहाँ पर सम बराबर कितना हो जाएगा, 5 नेचुरल नंबर है, 5+1/2 ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 × 6 5+1 6/2 ये मेरा बच्चा कितना हो जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 × 3 ये 15 आएगा, है ना। इस तो इसका आंसर कितना हो गया, 15 हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐड करके देख लो, 1+2+3+4+5 ये कितने हो जा रहे हैं, 1+2 कितने, 3 हो गए, 3+3 6 हो गए, 6+4 10 हो गए, 10+5 15 हुए। इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया ना, ये वेरीफाई हो गया, मेरे वेरीफाइड नंबर हो गया ना, तो ये मेरा करेक्ट हो गया इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला को बराबर याद रखना है, एस बराबर एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। आगे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, इसमें देखना है कि इसमें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसी तरह आपको एस बराबर निकालना है, 10 × 10+1/2 इसे कट करोगे आप, है ना, 5 हो गए, तो 5 × 11 ये हो गया 55। कितने सेकंड में बन गए आपके, 10 से 15 सेकंड बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड बनाना बहुत जरूरी है। आपके बहुत सारे एग्जाम एमटीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो इजी बना सकते हैं, बहुत सारे कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा बोला गया है फाइंड द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर से, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो आप बनाओगे एक्स बराबर 15 + 1/2 ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 × 16/2 ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 8 8 तो ये हो गया आपका 120। इजी है ना दोस्तों। अभी आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बता रखा है कि फाइंड द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से, फाइंड प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग याद करें, ये आप याद करना है और आपको कमेंट करना है। फाइंड द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर से, ये आपको क्या कैलकुलेट करना है, और सेकंड भी कैलकुलेट करके बताना है कि आपको कितना सेकंड लग रहे हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे
को आपको वो करना है, बनाना है, सॉल्व करना है और लाइक कर और मुझे कमेंट करना है। आगे आगे आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक लेके मैं आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, ओके सब्सक्राइब।